नमस्कार दोस्तों, मैं सुनी पांडे, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। नाउ पाकिस्तान ने एक ड्रोन बना लिया है और उस बात को लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं भी हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने लिटरली कई सारे देशों को बुलाकर उनके सामने इसका एयर शो किया है। टोटल 11 देशों के सैन्य अधिकारियों को पाकिस्तान ने बुलाया और उसके बाद में इसका परीक्षण उनके सामने किया। और पाकिस्तान का दावा है कि जो चाइना का CH-4 और तुर्की का जो TB2 ड्रोन है, जिसने यूक्रेन में बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी रशिया के खिलाफ, उससे भी अच्छा है इनका ये ड्रोन। देखो, ये वेरियंट है सापार का, सापार 2 है ये, और एक साल पहले भी इसका परीक्षण हुआ था, एयर शो वगैरह इन्होंने दिखाया था इसका। लेकिन इस बार क्या किया है, सैन्य अधिकारियों को बुला के दूसरे देशों के दिखाया कि हम किस लेवल पर इससे काम ले सकते हैं। ये मीडियम एल्टीट्यूड पे उड़ान करने वाला ड्रोन है। जब इससे ड्रिल किया जा रहा था, तब इस ड्रोन ने 14,000 फुट की ऊंचाई से एयर टू सरफेस मिसाइल बर्क से अपने लक्ष्यों को आसानी से डिटेक्ट किया और उन्हें तबाह भी कर दिया। इसके साथ में जिस कंपनी ने इस ड्रोन को बनाया है, वो ये चाह रही है कि ये बर्क 2 मिसाइल और लेजर गाइडेड बम का भी इस्तेमाल कर सके इन द फ्यूचर। पाकिस्तान ने इस ड्रोन को जिन देशों के अधिकारियों को दिखाया, उनमें से सऊदी अरब, अजरबैजान, केन्या, नाइजीरिया और अन्य देश के सैन्य अधिकारी मौजूद थे। माना जा रहा है कि पाकिस्तान इस ड्रोन को इन सारे देशों को बेचना चाहता है। वैसे भी पाकिस्तान के साथ में अजरबैजान कॉन्टेक्ट में है, क्योंकि पाकिस्तान ने एक फाइटर जेट बनाया था चाइना के साथ मिलकर, GF-17, उसे अजरबैजान खरीदना चाहता है और इंडिया से आर्मेनिया आर्म और एम्यूनेशन लगातार खरीद रहा है। तो इस वजह से वो कंफ्लिक्ट हो वहां रही है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान कोशिश कर रहे हैं कि अपने अपने मित्र कंट्रीज को हम हथियार दें लगातार। जिस कंपनी ने पाकिस्तान के इसको बनाया, उसका कहना है जो बायर कतार कंपनी है तुर्की की, उसके TB2 ड्रोन और चीन के CH-4 ड्रोन से भी ज्यादा अच्छा है ये। चीन के ड्रोन से अच्छा है या तुर्की के ड्रोन से अच्छा है, डजंट मैटर। हमें देखना है कि इंडिया का रुस्तम 2 कहाँ पे है इसके सामने। तो इंडिया का रुस्तम 2 जो है, वो 18,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ सकता है, इससे वो बहुत ज्यादा अच्छा है। इंडिया ने प्लान बनाया था। देखो, एक बात तो आप क्लियर रखो कि कभी कभी क्या है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं रुस्तम 2 या तपस। रुस्तम 2 का ही नाम तपस है संस्कृत में। हुआ क्या था कि रुस्तम दमिनिया के नेतृत्व में ही ये ड्रोन बनाया गया था, इस वजह से इसका नाम रुस्तम है, और इसी को अपग्रेड करके तपस नाम दिया गया था। और इसका जो टोटल बजट था, उसको भी बढ़ाया गया था, क्योंकि गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये 30,000 फीट की ऊंचाई पर 24 घंटे तक उड़ता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इस वजह से ये माना जा रहा है कि जो रुस्तम को अपग्रेड करके तपस बनाने का स्कीम था, वो फेल हो गया इंडिया का। और बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया है DRDO को भी, और साथ ही साथ में इंडियन आर्मी को भी इस मैटर पे, कि इंडियन आर्मी सपोर्ट नहीं कर रही है ऐसे प्रोग्राम्स को, वो बाहर के ड्रोन ही चलाना चाहती है, ये भी बात है। लेकिन रुस्तम 2 जो है, वो कंपेटेबली इससे ज्यादा एडवांस है, क्योंकि इनका जो सापार 2 है, ये सिर्फ 14,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ सकता है, जबकि रुस्तम 2 जो है, वो 18,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ सकता है। इसके साथ ही साथ में उसमें भी बहुत ही ज्यादा मिसाइलें लगाई जा सकती हैं, कुछ कुछ चीजें जो सेम है उसमें। और इसमें इसमें क्या है कि ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन कर सकता है, रियल टाइम वीडियो और फोटोज भेज सकता है, जो कि रुस्तम भी आराम से करता है। हालांकि पाकिस्तान की कंपनी इस ड्रोन की क्षमता बढ़ा रही है। प्रेजेंट टाइम में जो पाकिस्तान ने तस्वीरें जारी की है, उसमें ये देखा जा सकता है कि इस ड्रोन में सेंसर और 2 बाघ मिसाइल भी लगी हुई है, मतलब सेट किया हुआ है, लेस किया हुआ है। पाकिस्तान इस ड्रोन को अपने लिए बड़ी सफलता मान रहा है। यह ड्रोन 1,000 किलोमीटर दूरी पर मौजूद अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। इसमें लेजर टारगेटिंग सिस्टम लगा हुआ है, ताकि सटीक हमला किया जा सके। ये 53 किलो का आंतरिक और 190 किलो का बाहरी पेलोड लेकर उड़ सकता है। इसकी रफ्तार 200 किलोमीटर है। ये रियल टाइम सूचना और वीडियो दोनों भेज सकता है। रुस्तम जो है, वो बेसिकली पाकिस्तान के लिए हमने बनाया ही नहीं है, वो बनाया हमने चाइना के लिए, क्योंकि लद्दाख के एरिया में हमें लगाना है उसको। इसलिए वो 18,000 फीट की ऊंचाई पे उड़े, 20,000 फीट की ऊंचाई पे उड़े, जितना अच्छा है 30,000 फीट की ऊंचाई पे इंडिया उड़ाना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। इस वजह से रुस्तम वाला मिशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन उसको जो हमारा प्रक्रिया था कि हम तपस बनाएंगे, वो वाला मिशन अभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं बंद हो गया, बंद नहीं हुआ है। जो पर्सनल फंड है DRDO का, उसके तहत इस प्रोग्राम को अभी भी जारी रखा गया है। ये उम्मीद हम करते हैं कि इन द फ्यूचर ये 30,000 फीट की ऊंचाई पर भी उड़ेगा और 24 घंटा लगातार उड़ेगा।